पटाखों की बात है, पोल्यूशन की बात आती है। आपको बताया है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे, और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था, आज भी है क्या वो उपयोग, देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो, लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देशकाल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है, इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। और आप घर में विचार करो, योग्य विचार करो, युक्त विचार करो, और जाके लोगों को बताओ कि मैं विद्वान हूं, मैं कहता हूं बदल दो। ऐसा मत करो, समाज मन को बदलना पड़ता है, समझाओ, अनुनय करो। बात करते समय हिंदू धर्म की अनिष्ट प्रथा, ऐसा क्यों कहते हो भाई? आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से यह किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। और कुछ सदुद्देश्य है तो अपना सदुद्देश्य लोगों के ध्यान में आए इस तरीके से उसको करना है, तो हमारे धर्माचार्य भी इसका विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।